नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी में 4 किसानों सहित 8 लोगों की मौत के मामले में शुक्रवार को यूपी सरकार को आईना दिखा दिया। सीजीआई एनवी रमना ने यूपी सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश सालवे से कहा कि इस मामले में सीबीआई जांच कोई हल नहीं है। सुनवाई के दौरान एक याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया था कि इस मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी को दे दी जाए। इसके बाद सीजीआई ने कहा कि मिस्टर सालवे, हमें उम्मीद है कि राज्य सरकार जरूरी कदम उठाएगी। ये संवेदनशील मुद्दा है, हम इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहते, लेकिन सीबीआई जांच कोई हल नहीं है। हरीश सालवे के इस मामले को सीबीआई को सौंप देने की बात कहने के बाद भी शीर्ष अदालत ने इसे लेकर अनिच्छा जताई, तो इसका सीधा मतलब यही हो सकता है कि शायद अदालत के मन में ये शंका हो कि सीबीआई इस मामले में निष्पक्ष जांच नहीं कर पाएगी। लखीमपुर हिंसा के मामले में आज सुनवाई हुई। इस दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा कि आरोपी पर हत्या यानी 302 का आरोप है, इसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा हम अन्य मामलों में अन्य व्यक्तियों के साथ करते हैं। कोर्ट ने कहा कि हमें उम्मीद है कि जिम्मेदार सरकार और पुलिस काम करेगी। सीजीआई ने कहा कि जब 302 का गंभीर आरोप है तो आरोपी के साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा, ऐसे नोटिस भेज कर कि कृपया आ जाइए, कृपया हमें बताइए या सीधे जाकर गिरफ्तार करेंगे। इस दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश वकील हरीश सालवे ने कहा यह गंभीर केस है, जिस पर सीजीआई ने कहा कि अगर ये गंभीर केस है तो इसे जिस तरह से आगे बढ़ना चाहिए था वह आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है। सीजीआई ने कहा कि कार्रवाई केवल शब्दों में दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही किसी दूसरी एजेंसी को जांच सौंपने का संकेत दिया और पूछा और कौन सी एजेंसी जांच कर सकती है। वहीं यूपी सरकार की ओर से कहा गया कि आज और कल के बीच में जो भी कमी रही है उसे पूरा किया जाएगा। लखीमपुर मामले में सुनवाई के दौरान सीजीआई एनवी रमना ने यूपी सरकार से कहा कि हमें नहीं लगता कि जो अफसर इस मामले में काम कर रहे हैं उनके रहते जांच हो पाएगी। डीजीपी को निर्देश दीजिए कि सभी सबूतों को सुरक्षित रखा जाए। जस्टिस जे सूर्यकांत ने कहा कि चाहे इस घटना में कोई शामिल हो, कानून को अपना काम करना चाहिए। सीजीआई ने कहा कि हम क्या संदेश दे रहे हैं, सामान्य हालात में अगर 302 का मुकदमा दर्ज होता तो पुलिस क्या करती, जाइए और अभियुक्त को गिरफ्तार कीजिए। हमें लगता है कि सिर्फ जुबानी बात हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को समन भेजा है। इस समन में मिश्रा से कहा गया है कि वे शनिवार सुबह 11 बजे पुलिस के सामने हाजिर हों। उत्तर प्रदेश पुलिस ने गुरुवार को भी आशीष मिश्रा को समन भेजकर कहा था कि वे पूछताछ के लिए शुक्रवार सुबह 10 बजे हाजिर हों। पुलिस ने केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर नोटिस भी चिपकाया था, लेकिन मिश्रा नहीं आए। एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री के घर के बाहर नोटिस चिपकाया गया है। लखीमपुर मामले में मंत्री अजय मिश्रा ने कहा है कि मेरा बेटा कल यानी शनिवार को हाजिर होगा और मामले में पुलिस का सहयोग भी करेगा। वो कहीं भागा नहीं है, वो निर्दोष है। आज उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, कल वो सबूतों के साथ जांच एजेंसी के सामने पेश होगा। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी नेता अजीत पवार के यहां आयकर विभाग की छापेमारी के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने प्रतिक्रिया दी है। पवार ने कहा कि ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने यूपी के लखीमपुर में किसानों को कुचलने की घटना को जलियांवाला बाग से तुलना की थी। शरद पवार ने हैरानी जताते हुए कहा, क्या देश में लोगों को स्वतंत्र रूप से अपने विचार व्यक्त करने का भी अब अधिकार नहीं है। ड्रग्स मामले में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आज कोर्ट से जमानत नहीं मिली, जिसके बाद अभी आर्यन खान को जेल में ही रहना होगा। कल कोर्ट ने एनसीबी की रिमांड वाली मांग को खारिज करते हुए आर्यन के अलावा बाकी 7 अभियुक्तों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था, जिसके तुरंत बाद आर्यन खान के वकील ने जमानत याचिका दायर कर दी थी। बता दें, क्रूज ड्रग्स केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने वीडियो जारी कर कहा है कि आर्यन खान को गिरफ्तार करने वाले बीजेपी नेता थे और वो ही एनसीबी दफ्तर लेकर गए थे। मलिक ने एनसीबी की इस कार्रवाई को फर्जीवाड़ा और एक गड़ी हुई कहानी बताया। बता दें, रेड के दौरान आर्यन खान के पास से भी कोई नशीला पदार्थ बरामद नहीं हुआ था। टाटा संस ने सबसे बड़ी बोली लगाकर भारत की सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया को खरीद लिया। भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि 10 दिसंबर तक एयर इंडिया को टाटा समूह को सौंप दिया जाएगा। नागरिक उड्डयन सचिव राजीव बंसल के मुताबिक टाटा संस को सभी कर्मचारियों को पहले एक साल तक नौकरी पर बरकरार रखना होगा। इसके बाद टाटा समूह के पास ये विकल्प होगा कि वो अपनी इच्छा से रिटायरमेंट दे सके। एयर इंडिया के विनिवेश की प्रक्रिया जुलाई 2017 में शुरू हुई। बता दें, इससे पहले पिछले महीने रिपोर्ट्स में बताया गया था कि टाटा ने बोली जीत ली है, हालांकि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे खारिज कर दिया था। इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार मारिया रेसा और दिमित्री मुरातोव नाम के दोनों पत्रकारों को देने का ऐलान किया गया है।
इनको ये पुरस्कार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए किए गए प्रयासों के लिए दिया गया है। मारिया रेसा फिलीपींस के पत्रकार हैं। उनको सरकार से सवाल पूछने के कारण काफी जूझना पड़ा। वो बचपन में ही अमेरिका में चली गई थी। वहीं दिमित्री मुरातोव रूस में अभिव्यक्ति की आजादी को लेकर बोलती रही हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम में शुक्रवार को लगातार चौथे दिन बढ़ोतरी की गई। इससे ईंधन की कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच गई हैं। दिल्ली में पेट्रोल में 30 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ ही इसके दाम 103 रुपए 54 पैसे हो गए हैं। इससे एक दिन पहले इसके दाम 103 रुपए 24 पैसे प्रति लीटर थे। दिल्ली में डीजल के दाम में भी 35 पैसे की बढ़ोतरी की गई है और इसके साथ ही इसकी कीमत 92 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर हो गई है। महानगरों में सबसे महंगा ईंधन मुंबई में है। अब मुंबई में पेट्रोल 109 रुपए 54 पैसे प्रति लीटर है और डीजल 99 रुपए 92 पैसे प्रति लीटर। कोलकाता में पेट्रोल 104 रुपए 23 पैसे, डीजल 95 रुपए 23 पैसे और चेन्नई में 101 रुपए पेट्रोल और डीजल 96 रुपए प्रति लीटर है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुई स्कूल प्रिंसिपल सुपेंदर कौर की आज शव यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान उनको इंसाफ दिलाने के लिए नारे भी लगाए गए। बता दें, गुरुवार को आतंकवादियों ने 2 अध्यापकों की हत्या कर दी थी। इससे पहले 3 आम लोगों को भी मारा गया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार देश में वोट तो कश्मीरी पंडितों की रक्षा की दुहाई पर मांगती है, उन्हें सुरक्षा देने में फेल साबित हुई है। कश्मीर में लगातार आतंकवादी आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। अनुच्छेद 370 को हटाने के बाद आतंकवाद खत्म हो जाएगा कहने वाली सरकार पर अब कांग्रेस हमलावर है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीर में हिंसा की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। आतंकवाद ना तो नोटबंदी से रुका और ना धारा 370 हटाने से। केंद्र सरकार सुरक्षा देने में पूरी तरह असफल रही है। राहुल ने कहा कि हमारे कश्मीरी भाई बहनों पर हो रहे इन हमलों की हम कड़ी निंदा करते हैं व मृतकों के परिवारों को शोक संवेदनाएं भेजते हैं। डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को सीबीआई की पंचकुला अदालत ने हत्या के एक मामले में दोषी ठहराया है। राम रहीम के अलावा 5 और सह आरोपियों को भी दोषी ठहराया गया है। इसकी सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को किया जाएगा। ये मामला रंजीत सिंह की हत्या का है। रंजीत सिंह डेरा की 10 सदस्यों वाली कमेटी का अहम हिस्सा था। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह की 4 बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक राम रहीम को ऐसा लगता था कि उसके खिलाफ जारी किया गया वो पत्र जिसमें साध्वियों से दुष्कर्म की बात लिखी थी, इसे जारी करने में रंजीत सिंह का हाथ था। राम रहीम सिंह अपने आश्रम की 2 साध्वियों के साथ दुष्कर्म के मामले में जेल की सजा काट रहा है। उसे पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के हत्या के मामले में उम्र कैद की भी सजा सुनाई जा चुकी है। अफगानिस्तान के कुंदूज प्रांत में एक शिया मस्जिद में हुए आत्मघाती हमले में कम से कम 100 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। मरने वालों की संख्या बदल भी सकती है। इसके अलावा घायलों की भी बड़ी संख्या बताई जा रही है। कुंदूज के निवासियों ने AFP को बताया कि शुक्रवार की नमाज के दौरान एक शिया मस्जिद में विस्फोट हुआ। ये दिन सप्ताह का सबसे महत्वपूर्ण दिन होता है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।